और भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भी यदि मन में कष्ट और क्लेश रह जाए तो कहीं ना कहीं आत्मिक चिंतन की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, प्रभु का स्तवन करते हुए कवि ने लिखा कि सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुम सा So
Sukh naam sada